नमस्कार, मैं हूँ जया प्रजापति और मिट्टी मनवार में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दूध के पेड़े की रेसिपी। इसके लिए सिर्फ दूध की ज़रूरत पड़ेगी और इनको घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं दूध के पेड़े की रेसिपी। तरह तरह की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें 2 लीटर दूध डाल देंगे। हमने फुल क्रीम दूध लिया है। दूध में बिल्कुल भी पानी मिला हुआ नहीं होना चाहिए। अब हम दूध को उबाल लेंगे। दूध उबल गया है, इसे हमें लगातार हिलाते रहना है जिससे हमारा दूध कढ़ाई पे चिपके नहीं। लगभग 15 मिनट हो गए हैं, कढ़ाई में दूध अब लगभग आधा रह गया है। इसे हम लगातार हिलाते हुए उबालते जाएंगे। दूध अब गाढ़ा होने लग गया है, इसे हमें धीमी आंच पे ही उबालना है जिससे ये कढ़ाई पे चिपके नहीं। अब दूध का मावा बनने लग गया है। अब इसमें 6-7 छोटे चम्मच शक्कर डाल देंगे। शक्कर आप स्वाद अनुसार डाल सकते हो। शक्कर डालने के बाद ये थोड़ा गीला हो जाएगा, इसलिए हमें इसे और उबालना है। हम इसे चम्मच से हिलाते रहेंगे। पेड़े के लिए मावा तैयार हो गया है। अब इसमें 1/2 चम्मच बारीक कुटी हुई इलायची डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हमारे मिक्सर को 1 कटोरी में बाहर निकाल देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। हमारा मिक्सर थोड़ा ठंडा हो गया है और ये टाइट भी हो गया थोड़ा। अब हम हथेली के बीच थोड़ा घी लगा लेंगे और थोड़ा सा मिक्सर लेके इसे गोल गोल पेड़े बना लेंगे। इसे एकदम गोल और स्मूथ बनाना है। अब इसे अंगूठे से इस तरीके से दबा देंगे। हमारा पेड़ा बनकर तैयार है। इस तरीके से हम सारे एक एक करके पेड़े बना लेंगे। हमारे सारे पेड़े बनकर तैयार है। इनको हमने पिस्ता से गार्निश कर लिया है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। तो एक बार आप ही बनाइए और खाइए और अपने अनुभव मिट्टी मनवार पर शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे नई नई रेसिपी की जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।